You can watch this video with English audio on my alternate channel Career Master. I have shared the link of the channel in the description of this video. इस वीडियो को आप इंग्लिश ऑडियो के साथ मेरे अल्टरनेट चैनल करियर मास्टर पर देख सकते हैं। चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। खैर मकदम है, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। सीयूसेट 2020 के काउंसलिंग, मेरिट लिस्ट और एडमिशन के रिगार्डिंग एक नई अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर मैं इस खास वीडियो में हाजिर हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल के आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि कोई भी नई अपडेट, कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मैं सीयूसेट के रिगार्डिंग इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए और आप काउंसलिंग और एडमिशन का चांस मिस ना करें। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय गया ने अपनी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। यूनिवर्सिटी ने यह मेरिट लिस्ट अपनी वेबसाइट www.cusb.ac.in पर जारी की है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर देख सकते हैं कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज BA, BEd, BSc, BEd, BLLB, इसके अलावा 25 PG कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, उनके भी मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। आपको करना बस ये है कि वीडियो में जो मैं बातें बता रहा हूँ आप उनको अच्छे से फॉलो कीजिए, आप आसानी से अपने मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं, अपने स्कोर को चेक कर सकते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया कि वेबसाइट विजिट करनी है, वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको टॉप पर दिखेगा टैब सीयूसेट मेरिट लिस्ट एंड नोटिस फॉर काउंसलिंग। उस टैब को आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सब्जेक्ट वाइज सारे सब्जेक्ट्स के मेरिट लिस्ट मिल जाएंगे। हालांकि मेरिट लिस्ट काफ़ी लंबी है, मिसाल के तौर पर बीए बीएड का टॉप स्कोर 85 है, तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी मेरिट लिस्ट होगी। सिर्फ बीए बीएड के लिए 2000 से ज़्यादा लोगों के नाम शामिल है मेरिट लिस्ट में। इसी तरह से दूसरे कोर्सेज की भी आप मेरिट लिस्ट को देख सकते हैं। टॉप 200-250 लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं एडमिशन के, उसके बाद के लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इसी तरह से दूसरे कोर्सेज के भी आप मेरिट लिस्ट को देख सकते हैं। साथ ही साथ नोटिस दी गई है कि फिलहाल काउंसलिंग शुरू नहीं हो रही है, मेरिट लिस्ट के आधार पर ही फर्दर काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करने को कहा जाएगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी भी रखी है यूनिवर्सिटी ने इस बार, जो कि रजिस्ट्रेशन फ़ी की नोटिस की लिंक आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जनरल कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी है ₹500, वहीं SC ST के लिए ₹200। आप सारी डिटेल्स नोटिस को क्लिक कर देख सकते हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ अभी मेरिट लिस्ट जारी की है, काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है। इसके लिए आपको 1 से 2 दिन का समय लग सकता है, जैसा कि यूनिवर्सिटी के नोटिस में ये बताया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दक्षिण बिहार केंद्र विश्वविद्यालय के स्कोर मेरिट लिस्ट को चेक करने के लिए आप वेबसाइट पर लॉगिन करें, जैसा कि मैंने आपको बताया है cusb.ac.in। जब लॉगिन करेंगे होम पेज आपके सामने खुलेगा, ये लिंक है जिसे आप क्लिक करें, सीयूसेट स्कोर मेरिट लिस्ट एंड नोटिस फॉर एडमिशन। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुलेगा। इस पेज पर आप देख सकते हैं सारे कोर्सेज के नाम है, बी ए बी एड, बी एल एड, बी बी एस सी बी एड, एम एड, एल एल एम, एम ए इन पॉलिटिकल साइंस, एम ए इन इकोनॉमिक्स, एम ए इन इंग्लिश, एम ए इन हिंदी, एम ए इन साइकोलॉजी, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, डेवलपमेंट स्टडीज, एम ए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एम ए हिस्ट्री, मास्टर ऑफ कॉमर्स, एम एस सी इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एम फॉर फार्मास्यूटिक्स, एम फॉर फार्माकोलॉजी, एम एस सी जियोलॉजी। जब आप इन लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरिट लिस्ट खुल जाएगी, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी स्कोर आई है और आपके क्या चांसेस बनते हैं। इस नोटिस की लिंक को आप जब क्लिक करेंगे तो अगला पेज खुलेगा, जिसमें आप नोटिस देख सकते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि क्या प्रक्रिया है काउंसलिंग की और कितनी फ़ी देनी पड़ेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि जनरल कैटेगरी OBC के लिए, EWS के लिए ₹500 है काउंसलिंग फ़ी, वहीं ₹200 है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। इन डॉक्यूमेंट्स की लिंक मैं आपके साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगली जानकारी, अगली अपडेट के लिए CUSB में कब काउंसलिंग शुरू होगी नहीं होगी, आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहिए। मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेरिट लिस्ट के संबंध में जो भी दुविधा है, जो भी कन्फ्यूजन था, वो दूर हो चुकी होंगी। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर CUSET 2020, ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। थैंक्स अ लॉट।